हे एवरीवन, आप सब ने जान ही लिया होगा, अभी तक सुना होगा आपने कि डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है, और डायरेक्ट टैक्स कोड जब भी आएगा तो उससे इनकम टैक्स रिप्लेस हो जाएगा। इनकम टैक्स रिप्लेस होने से नया टैक्स लॉ आ जाएगा, जिसमें अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वैसे मेरा मानना है कि ये अभी जल्दी नहीं आएगा, बट अगर आता भी है तो बजट 2025 में आएगा, जिसका मतलब आपकी 2026 की रिटर्न फाइलिंग में ये यूज होगा। मतलब अभी तो वैसे बहुत टाइम है, और प्लस उसको अच्छे से सीखने के लिए जरूरी है कि आप पहले से अपने इनकम टैक्स के ऊपर कमांड स्ट्रॉन्ग कर लें। बट अगर आपको तब भी ये लगता है कि सर मुझे तो डायरेक्ट टैक्स कोड है वही सीख के फायदा है, मुझे वही सीखना, जबकि मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगा, बट फिर भी कुछ भी आपके माइंड में ऐसा डाउट है और आपको लगता है कि लेकिन सर अगर वो एक साल दो साल तक नहीं आया तो मैं करियर स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, तो भी दिक्कत है। मतलब अभी क्या कि अभी पढ़ते हो तो आपके माइंड में डाउट आ रहा है कि फिर डायरेक्ट टैक्स कोड दोबारा पढ़ना पड़ेगा, और अभी नहीं स्टडी करते हो, अपना करियर स्टार्ट नहीं करते हो, तो आपके माइंड में क्या आएगा कि मेरे करियर नुकसान हो रहा है। मतलब अगर आपने वीडियोस देखी हैं जो स्टूडेंट्स स्मार्टशेस पे पढ़ रहे हैं, हमारी एकेडमी में स्टडी कर रहे हैं, तो वो कोर्सेज करने के बाद 50,000 से लेकर 2-3 लाख रुपीस मंथली तक भी अर्न कर रहे हैं, जिसकी पूरी डिटेल आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। सीपीयूश गुप्ता नेम से मोबाइल ऐप डाउनलोड करके देख लेना, बिलीव नहीं होता है, बट वहां पे पूरा सारी चीजों को अच्छे से आपको समझाया गया है कि कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो मतलब अगर आप सोचो कि एक स्टूडेंट जो मैं बहुत नॉमिनल चीज भी बोलता हूँ 10 लाख रुपीस ईयरली अर्न कर रहे हैं, तो 10 लाख रुपए अगर साल का अर्न कर रहे हैं और आपने 2 साल लगा दिए तो 20 लाख रुपए का तो आपने ऐसे ही लॉस कर दिया। तो इसलिए आप चाहते हो कि डायमंड क्लब लाइट कोर्स ज्वाइन करना है, जिसमें 25 प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट कोर्सेज है, रिटर्न फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन, कंसल्टेंसी, टैक्स प्लानिंग, क्लाइंट कैसे बनाना है, कैसे अर्न करना है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से इनडेप्थ सारी तरीके से सिखाई है, 1000+ वीडियोस है। आप वो ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके लिए गुड न्यूज क्या है कि ड्यूरिंग द वैलिडिटी अगर डायरेक्ट टैक्स कोड आ जाता है तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो इस केस में क्या है कि 25 में से सिर्फ इनकम टैक्स में चेंज आएगा ना, तो इनकम टैक्स को आप अभी होल्ड करना, उसको लास्ट में कवर कर लेना, तब तक इनकम टैक्स आपको पता चल जाएगा तो क्या होगा, अर्निंग स्टार्ट हो चुकी होगी, पहले आप जीएसटी अकाउंटिंग वगैरह सीखेंगे तो इससे अर्न करना कोर्स के साथ साथ शुरू कर दोगे आप, तो क्या होगा इनकम टैक्स लास्ट में करना, तब तक डायरेक्ट टैक्स कोड आ गया तो डायरेक्टली डायरेक्ट टैक्स कोड पढ़ लेना, नहीं आया तो फिर टाइम ज्यादा वेस्ट करके फायदा नहीं है इनकम टैक्स पढ़ना। तो यहां पे लिमिटेड टाइम के लिए आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर कोर्स के ड्यूरेशन में आपका चेंज आता है तो डायरेक्ट टैक्स कोड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा अगर गवर्नमेंट उसको लॉन्च कर देती है। ठीक है, तो अब रिस्क फ्री होके अपना करियर स्टार्ट करो, अर्निंग स्टार्ट करो, ज्यादा सोचो मत।